हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो ये वीडियो पूरा स्प्रे के ऊपर है कि आप अपना स्प्रे कैसा अच्छा कर सकते हो। तो स्प्रे के लिए सबसे पहला बात आता है सेंसिटिविटी। आपका सेंसिटिविटी आपके हिसाब से एकदम परफेक्ट होना चाहिए, तभी आप अच्छा स्प्रे कर पाओगे। दूसरा बात है कि आपका जो फायर बटन होना चाहिए वो मतलब मेरे हिसाब से आप थंब का यूज़ करो स्प्रे के लिए। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा, इसलिए नहीं कि मैं थंब प्लेयर हूँ। थंब से बहुत ही स्टेबल स्प्रे होता है, बहुत ही लेजर स्प्रे जाता है उसके मुकाबले जो आप अपने इंडेक्स फिंगर से यूज़ करते हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि जो इंडेक्स यूज़ करते हैं उनका स्प्रे बेकार जाता है, बट थंब का ज़्यादा स्टेबल जाता है, चाहे टैप हो या फिर स्प्रे हो। तो सबसे पहले सेंसिविटी की बात आती है, तो ये रहा मेरे सेंसिविटी। आप सेंसिविटी कॉपी कर सकते हो और उसके बाद से अपने हिसाब से बना सकते हो कि आपके फ़ोन में कौन सा सूट कर रहा है, मतलब आपके लिए कौन सा सूट कर रहा है। तो आप अपना M4 फुली अटैच कर लो और सारे स्कोप्स उठा लो, 6x 4x एंड रेड डॉट। तो 3x इसलिए नहीं बोला क्योंकि 6x जो है वो 3x का काम करेगा, तो आप 3x भी उठा सकते हो। यहाँ पे आना है आपको और ये सामने जो पेड़ दिख रहा है या फिर जितने भी टारगेट दिख रहे हैं, मतलब पेड़ को ही टारगेट दिख रहे हैं, जो भी पेड़ दिख रहे हैं उस पर ट्राई करना है हर स्कोप के साथ। बेसिकली ये वाला पेड़ मतलब सही है, 400 मीटर के आसपास है, इस पर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। आप स्प्रे करना और हर स्कोप के साथ ट्राई करना, और जब आप स्प्रे करो और जब तक आपका ये वाला स्प्रे पिछले वाले स्प्रे से बेटर ना हो तब तक आप ट्राई करो। जब आपको लगे कि नहीं, आप खुद सेटिस्फाई जब हो जाओ कि नहीं ये वाला स्प्रे मेरा अच्छा था, तब फिर आप दूसरा ड्रिल्स ट्राई करो, ठीक है। तो ये 6x का पहले स्प्रे देख लो कैसा होता है। ये 6x का स्प्रे है, मतलब फुल 6x नहीं, 6x को 3x में करके। अब नेक्स्ट स्प्रे अपन 4x पे ट्राई करते हैं, 4x का भी देख लो। सेम चीज़ आपको करना है, यहाँ पे आना है, हर स्कोप के साथ आपको ट्राई करना है टारगेट पे। देख रहे हैं कैसा स्प्रे हो रहा है। सेंसिटिविटी एक दिन में नहीं होगा, आपको ग्राइंड करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा स्प्रे के लिए। बस ये थोड़ा सा हिंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं यूज़ करता हूँ, आप लोग भी यूज़ करना, बहुत ही हेल्प करेगा आप लोगों को। देख रहे कैसा स्प्रे जाता है, एकदम टू द पॉइंट स्प्रे जाता है। आप लोग भी ट्राई करता, फिर रेड डॉट लगाते, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप जब अपना कस्टम खेलो या फिर कोई भी कम्पिटिटिव खेलो टूर्नामेंट खेलो, जरूरी नहीं है आपको 6x मिलेगा, आपको मिलेगा, रेड डॉट से ही काम चलाना पड़ेगा, फिर रेड डॉट का भी स्प्रे आपका अच्छा होना, ठीक है। आप अपने से टारगेट सेलेक्ट करो, अपने से भी चूज कर सकते हो, प्रिडिक्ट कर सकते हो, मान लो ऐसा टावर का बंदा हो ऐसा मारना, समझ रहे हो, आपका भी होना चाहिए सेंस, ठीक है। तो आप ऐसा ट्राई करो कि यहाँ पे प्रिडिक्ट करो कि यहाँ पे बंदा होगा तो कैसे स्प्रे देना, जैसे मैं प्रिडिक्ट किया यहाँ पे टावर का बंदा है तो उस पर स्प्रे देना है, इस वाले पे हुआ तो ऐसे देना है। आप भी प्रिडिक्ट करो और अपने से भी टारगेट बनाओ, ज़रूरी नहीं है कि आप जो मैं बताया वीडियो में वही टारगेट सेलेक्ट करो, पर ये कहाँ, ये आपको एक हिंट एक गाइड है कि यहाँ आप यहाँ से भी कर लेते हो, फिर आपको कुछ समझ में आने लगा लगेगा कि आपको करना है। तो चलते हैं नेक्स्ट ड्रिल्स में, नेक्स्ट ड्रिल पे चलते हैं। तो इसमें ड्रिल्स ये कि आपको एम स्विच करना, इसमें आपका एम अच्छा होगा, आपका रिएक्शन फास्ट होगा। देखो कैसे हेड पे एम करना, मान ली क्रॉस एयर आपका हेड पे खुले, फिर स्प्रे किलो स्प्रे, फिर स्कोप इन स्कोप आउट, ऐसे करते देखिए आपको समझ में आ रहा होगा करने के। एकदम हेड पे क्रॉस एयर खुले फिर मारो। ये ड्रिल्स भी आपको हर स्कोप के साथ ट्राई करना है। 6x का था, अभी 4x का। सीधा हेड पे खोलो, क्योंकि अगर आप हेड पे मारोगे तो ऑब्वियसली सबको पता है कि ज़्यादा एडवांटेज होता है आप पहले बनने के बाद। तो ये ड्रिल्स भी आप करना, ये ड्रिल्स भी बहुत अच्छा है, इससे आपका एम स्ट्रॉन्ग होगा, एम स्विच मतलब टारगेट स्विच टारगेट बदलना वो भी आपका स्ट्रॉन्ग होगा, और प्लस एम तो भाई होगा ही होगा। ये ड्रिल्स भी ट्राई करना आप, इसका भी रेड डॉट के साथ ट्राई करना, ये रेड डॉट के साथ हेड पे एम करना और फिर मार, इससे आपका एम तगड़ा हो जाएगा और स्प्रे ट्रांसफर भी तगड़ा हो जाएगा।
तो नेक्स्ट डील चलते हैं अपन एस्पिरी ट्रांसफर, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, एस्पिरी ट्रांसफर कैसे करें। तो नेक्स्ट डील चलिए बताता हूँ आपको, वो इधर सेंटर में आ रहा है, सेंटर में आके फिर आपको देख रहे हेड पे, हेड पे ही एम रखना। इसे क्या आपका जो स्प्रे है वो ले, आप बॉडी पे भी कर सकते हो, बट जो हेड पे करोगे ना तो वो छोटा है, तो जिससे आपका एम एकदम वो बोलते हैं ना प्रिसाइज, आपका एम प्रिसाइज होने लगेगा अगर आप हेड पे प्रैक्टिस करो। ये कार स्प्रे के लिए प्रैक्टिस कर सकते हो, ये मैं कार स्प्रे के लिए भी ये ड्रिल से प्रैक्टिस करते हुए आप हेड पे एम करते हुए जा सकते हो, तो ये बेसिकली आपको कार स्प्रे में भी हेल्प करेगा। तो एक और एक ट्रिक है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आई गेस बहुत लोगों को पता भी होगा और जिनको पता नहीं है वो देख ले। अगर आप कहीं पे अपना गाड़ी पार्क किए हो ठीक है, और सामने बंदा दिख रहा है मतलब दूर है ज़्यादा, तो उसको स्प्रे से कैसा गिरा ना, आपका एम थोड़ा भी नहीं लगा, काइंड ऑफ लॉक हो जाएगा। ये मेरे को लगता है बहुत बंदों को पता भी होगा, कमेंट में बताना किनको किनको पता है। तो आपको ऐसा बगी के पास बैठ जाना चाहिए, मतलब बगी या फिर जो भी आपका व्हीकल, और एम बंदे पे करके आपको स्प्रे देना। देखो एकदम हिलेगा नहीं, मतलब थोड़ा भी इधर उधर नहीं होगा, एकदम प्रिसाइज एकदम उसी को लगेगा भाई, जहाँ पे आप एम किए हो वहीं पे जाएगा, उधर से थोड़ा भी लेफ्ट राइट नहीं मूव होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल स्प्रे खत्म हो जाता है, सिर्फ वर्टिकल बचता है। जो देख रहे हो मैं लेफ्ट राइट भी ट्रिल किया फोन, लेकिन नहीं, सिर्फ अप्स एंड डाउन टिल्ट हो रहा। तो ये ट्रिक है, आई होप मैं इसको ऐड किया क्योंकि मुझे लगा कि ये भी बताना चाहिए, बहुत बारी काम आता है अगर आप इसका यूज़ करते हो कभी कभार कॉम्पिटिटिव में या फिर क्लासिक में भी, तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा स्प्रे के लिए। बट हाँ, अगर कार कोई रनिंग कार पे स्प्रे करोगे तो नहीं होगा, क्योंकि लेफ्ट एंड राइट मूव नहीं होगा आपका फोन, तो ये ध्यान में रहे ठीक है। और ये ट्रिक सिर्फ प्रोन होने के बाद ही काम करता है, ऐसा क्राउच करके आप ट्राई करोगे अपने व्हीकल में, मतलब ये वाला ट्रिक व्हीकल के साथ, तो नहीं हो पाएगा। तो यही कुछ ड्रिल्स थे, आई होप आप लोगों को पसंद आए होंगे। देख रहे नहीं होगा अगर आप क्राउच करके करोगे, तो यही कुछ ड्रिल्स थे जो आपको, आई होप आपको पसंद आए होंगे। ये प्रैक्टिस करना, आपका स्प्रे अच्छा हो जाएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।